गीता के अनुरागियों, आज हम नवे अध्याय में प्रवेश करेंगे। ये जो नवा अध्याय है उसका नाम है राज विद्या राज गृह योग। यानी क्या? राज विद्या यानी विद्याओं का राजा, यानी सारी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या। और राज गृह यानी जो गृह है, जो रहस्य है, उसमें सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम रहस्य वो है राज गृह। और इसलिए देखिए, बिल्कुल सारे प्राण कानों में लाकर के सुनिए, ये जो है राज विद्या राज गृह तो क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच, इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान बोलते हैं कि इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि। गुह्यतम, ये तम जो है ना, आजकल ये स्थिति है कि अंग्रेजी हमको परिचित है, हमारी भाषा ही परिचित में, तो आपको ये बोलेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री ये तो समझ में आएगा। तो ये जो तम है ना, ये है सुपरलेटिव। तो क्या है? गुह्य यानी एक रहस्य। तो हम बोल सकते हैं कि कर्मयोग जो है, कैसा करना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये जो है कब करना, किस तरह करना, ये कर्मयोग जो है वो गुह्य है, रहस्य वो, ठीक है, वो गुह्य है। फिर ज्ञान योग जो है कि क्रिया तो हम करते हैं, मान लीजिए सारी बात है पूजा करना। अब पूजा करने की क्रिया है, लेकिन उसमें ज्ञान भी होना चाहिए, तो ये ज्ञान जो है वो गुह्य तर हो गया, ठीक है, तर यानी कंपैरेटिवली। और ये जो अभी बतलाने जा रहे हैं भगवान, ये है गुह्यतम। गुह्यतम यानी सुपरलेटिव डिग्री कि गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। अभी भगवान बोलते हैं कि इदम ते यानी तुम्हें गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि, जो सबसे अधिक क्या बताएंगे, ऐसा रहस्य है कि जो साधारण आदमी तो समझ ही नहीं सकता, और ऐसे गुह्य जो बातें हैं उसमें जो उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो गुह्यतमं अहम ते प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें बताऊंगा। क्यों, तुमको ही क्यों बताना? अनसूयवे प्रवक्ष्यामि, अनसूयवे, क्योंकि तुम अनसूय हो, तुम किसी की असूया नहीं करते। देखिए यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली भगवान ने बता दिया है कि गीता का श्रोता कौन हो सकता है, जो अनसूय है, जिसके मन में किसी के प्रति असूया नहीं है, उसको ये गुह्यतम ज्ञान मिल जाएगा। तो मैं क्या बताऊंगा? ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं विज्ञान के साथ तुम्हें ज्ञान बताऊंगा। अब ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है? आज की दुनिया में हम विज्ञान यानी साइंस समझते हैं। हाँ भाई, तुम्हारा बेटा कहाँ है? हाँ, मेरा बेटा तो आर्ट्स में पढ़ रहा है, तुम्हारा बेटा तो विज्ञान में पढ़ रहा है, विज्ञान यानी साइंस, ये सोचते हैं। देखिए शंकराचार्य ने अपने शंकर भाष्य में जो लिखा है वो अलग है। उन्होंने ये कहा है कि ज्ञानम जो है वो शास्त्रतः, शास्त्रों से यानी सब पढ़ के, या गुरुमुख से, या ऐसा जो मिलता है वो ज्ञान है। और विज्ञान जो है वो विशेष ज्ञान है, यानी उसका अनुभव है। देखिए पुस्तक में पढ़ लिया कि आपको छुओ तो दाह होता है, पुस्तक में पढ़ना बात अलग है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव लेना बात अलग है।
तो यहाँ उन्होंने ऐसा अर्थ लिया है। ज्ञानेश्वरी लिखते हैं हमारे माउली, तो माउली बोलती है कि ज्ञान जो है वो सर्वव्यापी ज्ञान है पूरा, और विज्ञान यानी उसका विशेष ज्ञान, यानी उस पूरे ज्ञान में से जो एक छोटी शाखा स्पेशलाइजेशन जिसको हम कहेंगे वो है विज्ञान। आप कुछ भी समझिए, मैं तो विद्वान हूँ नहीं, मैंने बस दो विद्वानों की बातें बता दी, एक ज्ञानेश्वर माउली की, एक शंकराचार्य की। हम ये सोचते हैं कि किसी की भी बात हम लें, ज्ञान किसको कहें या विज्ञान किसको कहें, यहाँ मुख्य बात ये है कि भगवान अर्जुन को विज्ञान सहित ज्ञान बता रहे हैं। यानी अगर हम माउली की बात लेते हैं तो देखिए, विज्ञान माने सांसारिक ज्ञान और ज्ञान माने पारमार्थिक ज्ञान, तो ये दोनों ही बताऊंगा, ये अर्थ हुआ। यदि शंकराचार्य की बात लेते हैं तो क्या है कि मैं ज्ञान तो बताऊंगा ही, पर उसकी अनुभूति भी दूंगा विज्ञान। देखिए कुछ भी लीजिए, ये जो है राजविद्या राजगुह्य योग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात हो गई। तो क्या बताया है यहाँ पे, एक वाक्य पूरा नहीं हुआ है, कॉमा जिसको कहते हैं, कॉमा है कि अहम अनसूय वेते, तुम अनसूय हो इसलिए मैं तुमको विज्ञान सहितम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि। ठीक है, यत् ज्ञात्वा, जिसको जान करके मोक्ष से अशुभात, तुम्हारा अशुभ से मुक्ति हो जाएगी। अब ये अशुभ क्या है, तुम्हारे अशुभ से मुक्ति हो जाएगी। अशुभ यानी वही है जो वैचारिक झमेला हो गया है ना, उलझन, ये अर्जुन जिस उलझन में फंसा हुआ है कि मैं क्या कहूँ, मैं धर्म छोड़ना नहीं चाहता मगर मैं क्या कहूँ तो धर्म का भंग नहीं होगा, मेरा कर्तव्य भी पूरा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा इस वैचारिक उलझन में, वही अशुभ है। तो यज्ञात्वा, जिसको ज्ञान करके तुम इस अशुभ से मुक्ति पाओगे, वो मैं तुमको कहूँगा, ये बताया है। क्या है, क्या बताऊँगा, आइए दूसरा श्लोक करते हैं। दूसरा श्लोक है, राज विद्या राजगुह्यम् पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुम् अव्ययम्। मैं जो तुमको बताने जा रहा हूँ, भगवान कहते हैं, ये कैसा है, ये जो मैं ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूँ उस ज्ञान के सारे विशेषण हैं। ये ज्ञान क्या है, ये राज विद्या है। राज विद्या है यानी विद्याओं का राजा क्यों है, तेजोमय ज्ञान है ये, इससे तुम्हारे मन के बुद्धि के तेज के द्वार खुल जाएंगे, स्वयं तेजस्वी हो जाए। देखो जो साक्षात्कार संत होते हैं ना, अब मेरे आंखों के सामने तो वह पहुंच जाते हैं, देखिए उनको कभी भी देखिए कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि थके हैं। एक दफा की बात याद है कि उनके वो कुछ वो जाने दीजिए क्या हुआ था क्या नहीं, मगर ये हम कहेंगे कि वो पूरे रात जग करके आए थे शिविर के लिए, पहुँचे सवेरे 4 बजे और आए तो सोना होना कुछ नहीं, सीधे गंगा जी में, तो 4 बजे नहीं गए लेकिन बाद में गंगा स्नान करके जब वो 8 बजे आए पूरे ताज़े, बिल्कुल कुछ भी उनके चेहरे पर या उनके इस पर कहीं भी थकान का इतना सा लक्षण नहीं। ये काहे का लक्षण है, यह तेजोमय। तो ये तेजोमय जो ज्ञान है इसलिए इस ज्ञान को राज विद्या बोला गया है। और राजगुह्य, ये परम गुह्य है और उसमें सर्वश्रेष्ठ है। पवित्रम, पवित्रम क्यों बोला है, आप सब लोग बोलते होंगे ना, सबायाभ्यंतर अश्रुचि यस्मरे पुंडरीकाक्षम सबायाभ्यंतर अश्रुचि, ये आप रोज बोलते होंगे कि जो पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वो अंतर्बाह्य शुद्ध होता है।
अब यहाँ तो स्वयं पुंडरीकाक्ष ही बोल रहे हैं तो स्मरण की क्या बात है। बात ये है कि जिसके स्मरण करने से हम पवित्र होते हैं, ये पुंडरीकाक्ष जो है स्वयं भगवान जो है वो जिस ज्ञान का सतत स्मरण करते हैं, इसलिए इसको बोला है कि ये ज्ञान कैसा है, पवित्रम उत्तम। ये सारे विशेषण उस ज्ञान के हैं, राज विद्या है, राजगुह्य है, पवित्र है, उत्तम है और प्रत्यक्ष अवगमन है। प्रत्यक्ष अवगमन यानी सीधे उसका ज्ञान, उसका आकलन हमें हो सकता है। कैसा? सगुण साकार की सेवा करके, यानी केवल मूर्ति पूजा करके नहीं, वो तो है ही एक, लेकिन किसी सगुण साकार की सेवा जैसे बाबा आते हैं, मालूम नहीं वो पूजा करते हैं कि नहीं, मैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कभी आया ही नहीं मौका, तो पूजा करते हैं या नहीं मुझे पता नहीं मूर्ति की पूजा, लेकिन कुछ तो हो गया उनकी सेवा करते हैं, ये भी प्रत्यक्ष है। तो ये जो है सगुण साकार की सेवा सिखाने वाला ये ज्ञान है, इसलिए ये प्रत्यक्ष अवगम है। फिर धर्म है, ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा अर्जुन, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन मैं तुम्हें जो ज्ञान दूंगा ना वो धर्म है, धर्म के अनुकूल है, इसलिए धर्म युद्ध भी उसी में आ गया। सोचिए ये यहाँ बताया नहीं है, लेकिन धर्म और कर्तुम सुखम, और फिर इसका पालन करना भी बहुत कठिन नहीं है, कर्तुम सुखम है और अव्ययम है। ज्ञान को अव्यय कहा है, वस्तुतः हम अव्यय कहते हैं भगवान को कि जिसमें व्यय नहीं है। हम साधारणतः व्यय शब्द का अर्थ लेते हैं खर्च, व्यय किया मैंने खर्च किया, लेकिन खर्च नहीं होता। सुनिए, हमने कुछ चीज खरीदने के लिए कुछ वास्तविक पैसे दे दिए, तो मैंने क्या बोला कि मैंने इतने इतने रुपए व्यय किए, खर्च किए, खर्च हुए क्या? अरे रुपए के रूप में गए, वस्तु के रूप में तो आ गया ना, वही चीज आ गई ना घर में, तो चोरी होना बात अलग है। चोरी को हम व्यय किया नहीं बोलते, वो तो गए, नष्ट हो गए, लेकिन जब हम खर्च करते हैं तो वो क्या होता है, वो व्यय होता है। व्यय यानी परिवर्तन, बदल। नोट के रूप में जो था मेरे पास में वो गया, लेकिन वस्तु के रूप में जो नहीं था मेरे पास वो आ गया, तो ये है व्यय। ठीक है, यहाँ इसको बोला है कि मैं जो तुम्हें ज्ञान दूंगा ना वो अव्यय है, माने उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। हम भगवान को अव्यय क्यों कहते हैं? बदलते ही नहीं, उनमें कोई विकार आता ही नहीं। हम जैसे छोटे थे युवा हो गए, युवा थे बूढ़े हो गए, ये जो परिवर्तन आ गया ऐसा भगवान में नहीं आता, इसलिए भगवान भी अव्यय है। और भगवान के मुंह से ये जो अभी नौवें अध्याय में निकलने वाला ज्ञान है ये भी अव्यय है। तो ये उन्होंने बोला है कि राज विद्या राजगुह्यम इदम कैसा है, पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम कर्तुम सुसुखम और अव्ययम। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगले श्लोक में क्या बताते हैं वो। अश्वत्थधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। है तो बहुत सरल मगर उतना ही घन है, डीप है, क्या है बताइए। अस्य धर्मस्य अश्वत्थधानः, अस्य धर्मस्य, अब यहाँ आ गया धर्म शब्द। साधारण आदमी तो खैर आप सारे प्रबुद्ध हैं, आप इससे गीता परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आप तो ऐसे ये नहीं करेंगे, लेकिन साधारण आदमी धर्म को समझता है कि जो हम धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं उनको ही धर्म माना जाता है, यानी जिसको हम रिलीजन कहते हैं, है ना।
यहाँ उस धर्म से, उस अर्थ से धर्म शब्द का प्रयोग नहीं है। यहाँ क्या बोला है, अस्य धर्मस्य, ये जो धर्म है। धर्म माने क्या, एक विशिष्ट कर्तव्य का बोध। यहाँ बोला है कि जो मैं तुम्हें इस नवम अध्याय में जो भी मैं तुमको दूंगा, राज विद्या दूंगा, राजगुह दूंगा, यही परम धर्म है। और अस्य धर्म से अश्रद्धाना, इस धर्म में श्रद्धा न धरने वाले, यानी इस धर्म के प्रति जिनके मन में श्रद्धा नहीं है, वो उसको तुच्छ समझते हैं, उसको उपेक्षणीय समझते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो क्या होता है, अप्राप्त माम, माम अप्राप्त, वो कभी मुझ तक आ ही नहीं सकते, अप्राप्य। और यहाँ निषेध के अर्थ में है, वो मेरी तरफ मुझ तक पहुँचना तो दूर, मेरे ओर भी नहीं देख सकते, वो उसी में डूबे हुए हैं। कोई केवल मूर्ति पूजा में, उनको सारा ध्यान उसमें रहता है कि मैंने कोई किसी विधि में गलती तो नहीं की, यानी मैं को नहीं भूले, विधि को मात्र। अरे मगर जिसको ये करते, मुझे याद है दूसरे दिन एकादशी थी, अभी किसने बोला नहीं बताऊंगी, पर वो बोली जो थी बोलने वाली, वो बोली अरे कल एकादशी है, अब मुझे सब लाना पड़ेगा, क्या साबुदाना लाना पड़ेगा, घर में नहीं है, मूंगफली लानी पड़ेगी, घर में नहीं है। याने एकादशी है तो भैया चिंतन किसका, मूंगफली का, साबुदाने का। अगर चिंतन विठल का करो ना, तो वो नहीं होता। यानी ये जो है ना, ये अश्रद्धालु अश्रद्धालु नहीं है, श्रद्धालु तो है, लेकिन श्रद्धा कहाँ रखना यही नहीं समझ में आता। तो ऐसे लोग जो हैं, उनको बोला गया है कि ऐसे पुरुषाह अस्य धर्म से अश्रद्धाना, इस धर्म में श्रद्धा श्रद्धा तो है लेकिन धर्म के प्रति नहीं है, केवल उसके आडंबर के प्रति श्रद्धा है कि मैं किस प्रकार से पूजा करता हूँ, किस प्रकार से मैंने, वो गलत है ही नहीं, वो बहुत अच्छा है कि हमारे सारे सारे के सारे मूर्तियाँ उसमें हो। अगर मुझ में सौंदर्य बोध है तो मैं खुद को मेकअप ना करूँ, भगवान का सौंदर्य करूँ। अगर मुझे अच्छा खाने का शौक है तो मैं केवल बना के खुद के लिए बना के खुद ना खाऊं, भगवान के लिए 56 भोग सजाऊं, ये अच्छा है क्योंकि उसमें हमारा मन तो भी भगवान के तरफ लगा है। यहाँ क्या है, अस्य धर्म से अश्रद्धाना, जो इस धर्म के प्रति यानी मूल तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, वो क्या करते हैं, माम अप्राप्य, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते। अप्राप्य जो है लवंत है, इसका मतलब मुझे न पा करके मृत्यु संसार वक्मनि निवर्तन्ते, वो वापस आ जाते हैं, निवर्तन्ते यानी वो फिर से लौट आते हैं। कहाँ लौटना, बस इसी दुनिया में, जिस दुनिया को हम सोचते हैं कि यहाँ पे दुख ही दुख है, उसी दुनिया में वापस लौटते हैं। क्यों, क्योंकि उनको इस राज है, इस ज्ञान का भान नहीं है। इसलिए अब क्या है, अब आगे चल के चौथे श्लोक से भगवान बताते हैं वस्तुतः क्या है। देखो, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता। क्या सुंदर बताया है, मया ततम इदं सर्वं जगत, इदं सर्वं जगत, ये सारा जगत, जगत यानी केवल हमारी पृथ्वी नहीं, अरे हम तो हमारा जगत माने क्या, जहाँ हम रहते हैं वो प्रांत, मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मेरा महाराष्ट्र, मैं पंजाबी हूँ तो मेरा पंजाब, अरे ये इतने सारे जगत नहीं होता भाई,
इससे आगे चलिए तो सोचते हैं हाँ ठीक है मेरा देश, इससे भी आगे चलिए सारे पृथ्वी, मगर जगत तो इससे भी बड़ा है। जगत यानी सारा का सारा ब्रह्मांड, और ये भगवान बोलते हैं कि इदम सर्वम जगत, समग्र जगत जो है मया ततम, ये मैंने फैलाया हुआ है। ये सारे के सारे ये जगत की जो सृष्टि है, ये सृष्टि ये निर्मिति ये मैंने की है। और कैसा अव्यक्त मूर्ति ना, मेरी मूर्ति जो है वो अव्यक्त है, भगवान ने ये सब बनाया। अरे भाई कुमार कोई घड़ा बनाता है तो हमें घड़ा भी दिखता है कुमार भी दिखता है, व्यक्त है क्योंकि छोटी सी चीज है, उसकी निर्मिति भी छोटी सी है। तो ये छोटी सी निर्मिति नहीं है नहीं ना, ये इतनी बड़ी निर्मिति है। और एक बात और है, जो चीज बनाते हैं ना उससे बाहर होता है कि नहीं बनाने वाला, यानी घड़ा जो है, घड़ा बनाने वाला कुमार घड़े के भीतर थोड़ी होता है, बाहर होता है ना, वो बाहर बैठेगा और फिर मट्टी का ये लेगा और बनाएगा। उपादान कारण जो है वो मट्टी है, कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है। यहाँ मजे की बात ये है कि उपादान कारण भी भगवान है, निमित्त कारण भी भगवान है, और जो बनाया है वो भी वही है। तो मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं अव्यक्त हूँ, मैं व्यक्त नहीं हूँ, सीधी सी बात है। हम देखते हैं, शायद मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया होगा, लेकिन जिनको ये दोबारा सुनने का कष्ट हो रहा है वो कृपया उस कष्ट को सही है। मैंने ये उदाहरण दिया था कि हमारे घर में फ्रिज भी है, हीटर भी है, पंखा भी है, ट्यूबलाइट भी है। अब होता क्या है, हर एक का कार्य अलग है। ट्यूबलाइट हमें प्रकाश देती है, फ्रिज जो है वो वस्तुएं ठंडी करता है, और हीटर जो है वो वस्तु को गर्म करता है, पंखा जो है उसके जो ये हैं वो घूमते रहते हैं। अब मुझे बताइए, हर एक का कार्य अलग है, लेकिन ये सब जो करते हैं ये मूर्तियाँ अलग अलग है, पंखा आकार अलग, ट्यूबलाइट अलग, फ्रिज अलग, हीटर अलग, लेकिन ये जो काम करते हैं, गर्म करना, ठंडा करना, हवा देना, प्रकाश देना, ये जो भी उनके काम है, ये काम कराता कौन है, वो है कांट, वो यदि नहीं है तो एक भी काम नहीं होगा। अब वो जो विद्युत प्रवाह है वो व्यक्त है क्या, वो अव्यक्त है। एनर्जी जो है वो हमेशा अव्यक्त रहती है, एंड एनर्जी नेवर डाइज, वो कभी समाप्त नहीं होती। ये जो चैतन्य तत्व है ये है भगवान। तो यहाँ ये बोला है मया ततम इदम सर्वम जगत, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग आकार है, अलग अलग उनके फंक्शंस हैं, सब अलग अलग है, लेकिन ये मया ततम, ये सब मैंने ही फैलाया हुआ है। और अव्यक्त मूर्तिना, स्वयं अव्यक्त होके मैं कहीं व्यक्त नहीं होता। हमें ट्यूबलाइट दिखती है, पंखा दिखता है, करंट नहीं दिखता, अव्यक्त रहता है। और इसलिए आगे की जो है बिल्कुल सुन लीजिए पूरा ध्यान से, मत स्थानी सर्वभूतानी, क्योंकि अगले ही श्लोक में दूसरा आएगा कि नच मत स्थानी भूतानी, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ बताया है मत स्थानी सर्वभूतानी, सर्वभूत जो है, भूत यानी जो बनाया हुआ है सृष्टि जो है वो मत स्थ है। स्थ का मतलब क्या, आपको शब्द मालूम है गृहस्थ, घर में रहने वाला। अब वैसे मराठी में कोकणस्थ, देशस्थ भी होते हैं, माने क्या कोकण प्रदेश में रहने वाले कोकणस्थ। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ कोकणस्थ सब जगह गए हैं, देशस्थ यानी देश यानी ये बीच का पान, तो वहाँ पे रहने वाले देशस्थ वो छोड़िए, गृहस्थ देखिए, गृहस्थ माने गृह में रहने वाला गृहस्थ। यहाँ क्या बतलाया मत स्थ, मुझ में रहने वाला,
यानी क्या? मत स्थान सर्वभूतानि, सर्वभूत जो है वो मत्स्थ है, माने मेरे भीतर रहते हैं। गृहस्थ गृह के भीतर रहता है, और ये सारा भूत मात्र जो है वो मत्स्थ है, यानी मुझ में रहता है। यानी क्या? हम जहाँ रहते हैं, जैसे घर देखिए हम, तो घर हमें घेरे हुए हैं, हम बीच में हैं, घर हमारे आजू बाजू है, हमको घेर के है। उसी प्रकार हम जो है, यानी सारे के सारे, सारी दुनिया, सर्वभूत, ये सर्वभूतों को घेरने वाला जो है सर्वव्यापी, वो जो है वो भगवान है। भगवान कहते हैं मत स्थान सर्वभूतानि। देखिए, हम नदी या समुद्र के तट पर जाते हैं, क्या दिखता है हमें? उसमें तरंग आ रहे हैं, लहरियाँ आ रही हैं, ठीक है। एक एक लहर जो है वो यूँ आती है, यूँ गिरती है, फिर आती है, फिर गिरती है। हर एक लहर का एक एक अस्तित्व हमें दिखता तो है, वो व्यक्त है, लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व है क्या? हम यदि कहें कि हाँ भाई, मेरे बेटे को यदि मैं कहूँ कि हाँ मुझे वो लहर बहुत अच्छी लगी, जाके वो लहर लेके आओ, वो बेचारा जाएगा, मेरा ही बेटा है तो माँ की सुनेगा, जाएगा वो लहर लेके आया तो मुझे क्या दिखेगा? लहर तो दिखेगी नहीं, पानी ही पानी दिखेगा। यानी क्या है? पानी जो है लहर का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, तरंग जो है उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पानी ही है, और वो सारे ही सारे तरंगों को घेरे हुए है। उसी प्रकार मत स्थान सर्वभूतानि, सर्वभूत यानी तरंग समझिए, लहरें समझिए, और पानी यानी भगवान। तो मत स्थान सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। कितनी मजे की बात है, हमको तो पानी में और तरंग में भेद करना भी नहीं चाहिए, और हमें समझ में भी नहीं आता। यहाँ क्या बोला है कि सारा भूत मात्र जो है वो मत्स्थ है, मेरे भीतर है, ठीक है, मेरे भीतर है, माने मैं उन्हें घेरे हुए हूँ, पर न अहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूँ। यहाँ फिर हम ये हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे लहरों को पानी ने घेरा है, ये तो समझ में आ गया, पर लहर में पानी तो है। बात ये है न च अहम तेषु अवस्थितः, इसका मतलब ये कि केवल एक तरंग माने पानी का अस्तित्व हो गया क्या? अगर पानी कितना विशाल है, एक तरंग में सीमित नहीं रहता। जैसे कोई पूछते हैं कि मूर्ति पूजा करना क्या गलत है, मैंने कहा देखिए गलत तो है ही नहीं, बल्कि उसमें तो हम भगवान से जुड़ते हैं। पर ये सोचना गलत है कि भगवान उतने से में मूर्ति में ही है, भगवान इतने सीमित नहीं है। हाँ, मूर्ति में तो वो है ही, क्योंकि कण कण में है वो, तो क्या मूर्ति में नहीं होंगे? है, सब जगह है। और हमारी दृष्टि, भारतीय दृष्टि, वैदिक दृष्टि ये है कि सब जगह है। हम तुलसी माता की, बड़ की पूजा करते हैं, वनस्पतियों में हमें भगवान दिखता है। नाग पंचमी के दिन हम नाग की पूजा करते हैं, यानी रेप्टाइल्स में भी हमें भगवान दिखता है। हम पोए के दिन, महाराष्ट्र में खास करके पोए के दिन बैल की पूजा करते हैं, चतुष्पादों में हमें भगवान दिखता है। हम घर में तुलसी को जल चढ़ाए बगैर, तो देखिए छोटी सी बात है, हम फूल तोड़ते हैं, तुलसी को तोड़ना नहीं कहते, हम बोलते हैं तुलसी उतारो, उसको तोड़ना शब्द भी हम नहीं यूज करते, क्योंकि वहाँ भी हम भगवान देखते हैं। तो भगवान तो सब जगह है, लेकिन हम यदि सोचे कि केवल तुलसी में भगवान है, बस बाकी कहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए बोला है कि मत स्थान सर्वभूतानि, सारे भूत मात्र तो मत्स्थ है ही, पर ये मत सोचो अर्जुन कि अहम तेषु अवस्थितः, ऐसे मत सोचो, मैं केवल उनमें हूँ, उतना ही सीमित हूँ, या ऐसे संकुचित भावना से मत लेना, ठीक। और इसी का
और विश्लेषण अगले श्लोक में किया गया है, पांचवा श्लोक देखेंगे हम। इसीलिए इस ज्ञान को राज विद्या राजगुह्य कहा है। क्या बताया है? न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम्। भूतमन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। क्या वंडरफुल श्लोक है, क्या बताया है? न च मत्स्थानि भूतानि, मत्स्थानि भूतानि न पश्य, यानी क्या? केवलम भूतानि न पश्य, केवल यही जो पहले बताया कि नचा अंकेश अवस्थित। क्या हुआ है उस श्लोक में बतला दिया है मत्स्थानि सर्व भूतानि, यानी सारे के सारे जो है भूतमात्र वो मेरे भीतर है। अब यहाँ क्या बोला है? न च मत्स्थानि भूतानि पश्य। जो भूतमात्र जो मत्स्थ है यानी मेरे भीतर ही जो है, माने जो मेरे एक अंश का आविष्कार है, वो दिखते तो है लेकिन वो दिखते हैं तो ये मेरा केवल एक अंश है। अंशी को कहाँ देख पाए हम? तो इसलिए बोला है कि केवल तरंग को मत देखो, उसके पूरे सारे तरंगों को जो घेरने वाला पानी है उस पानी को देखो। संत गुलाबा महाराज बहुत सुंदर बताते हैं, उन्होंने सुवर्ण और अलंकार का दृष्टांत दिया है। होता क्या है, हमें एक आध अलंकार बड़ा प्रयोग होता है। मान लीजिए मेरे गले में एक बहुत सुंदर चेन है सोने की और मुझे बहुत प्रिय है, समझ लीजिए क्यों प्रिय है, उसका डिजाइन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर मन में मैंने एक भावना है कि क्या मालूम देखती तो सुंदर है ये चेन, मुझे तो अच्छी लगती है, तो ये खालिस सोना है या नहीं, असली शुद्ध सोना है या नहीं, ऐसा मन में आता है। फिर मैं क्या करती हूँ, सुनार के पास जाती हूँ और टेस्ट करवा लाती हूँ। अब जब पता चलता है कि अरे भाई पूरा 24 तो नहीं 22 कैरेट का है, मैंने बहुत अच्छा सोना है, ये जब पता चलता है तो क्या होता है, वो चेन मुझे अधिक अच्छी लगने लगती है कि हाँ डिज़ाइन तो हमें पहले से ही प्रिय था, अब वो सोना है। बात ये है हमें क्या प्रिय लगना चाहिए। सोना जो है वो सारे उसको व्यापक है, सोना व्यापक है, चेन उसका विकार है, एक आकृति है। अगर इसको हम गला लें, इस सोने को गला लें और उसकी चूड़ी बनवा लें, अंगूठी बनवा लें, कुछ भी बनवा लें, आकार बदल जाएगा, सोना नहीं बदलता, सोना वही है। तो ये हमने जो सोचना है कि मत स्थानी सर्वभूतानी, सोने ने वो सारे आकार जो है वो व्याप्त करने ये है कि शुद्ध सोने की एक अंगूठी है, एक चूड़ी है, एक कुछ कान के है, कुछ भी है, समझिए तो उनके आकार भले ही अलग अलग है क्या, मूल तत्व जो है वो सोना ही है, शुद्ध सुवर्ण है और उसकी शुद्धता जो है वो सर्वव्यापी है, सोना सर्वव्यापी है। इस विचार से ये पश्य, ये देखो क्या है, मत्स्थानि भूतानि न पश्य, जो आकार है उसको मत देखो कि ये मैं तुलसी की पूजा करती हूँ तो तुलसी एक पौधा है, मैं नाग पंचमी में नाग की पूजा करती हूँ तो नाग एक प्राणी है, रेंगने वाला प्राणी रेप्टाइल है, ये मत सोचो, सब में ये सोचो कि ये भगवान है। तो इसलिए है कि हाँ ये तो है मत्स्थानि सर्वभूतानि, मैं तो सर्वव्यापी हूँ ही, लेकिन जिस जिसको मैंने व्याप्त किया है उस वस्तु को केवल उस वस्तु के नजर से मत देखो, उसमें भीतर जो मैं हूँ उसको देखो। भीतर माने अरे भाई ये भगवान जो है
वही तो अंतर बाह्य है। देखिए ना, इसलिए मैंने बोला कि घड़ा और कुम्हार का उदाहरण मत लो। घड़े के भीतर नहीं है कुम्हार, घड़े के बाहर है। यहाँ भगवान ऐसे हैं कि भीतर भी है बाहर भी है, जैसे तरंग है, तरंग में भीतर भी पानी बाहर भी पानी। यानी ये जो है तरंग के भीतर पानी है, माने पानी की ही वो तरंग है, मगर उसको व्यापे हुए जो है, घेरे हुए जो है, वो भी पानी है। ये सोचो, इसलिए बतला है कि क्या पश्य जो शब्द है ना, दोनों तरफ लगाइए कि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य अपश्य में योगम ऐश्वरम। मैं ऐश्वरम योगम पश्य, कि मेरा ये ऐश्वर्य योग, ऐश्वर्य माने ईश्वर। हाँ, एक बात है, शायद मैंने कभी बताया है, याद नहीं, पर ईश्वर शब्द यानी क्या? साधारण आदमी ना ईश्वर, भगवान, देव, ये सारों को एक पर्याय वाची समानार्थक शब्द समझता है। ऐसा नहीं है भाई। ईश्वर माने क्या? संस्कृत में एक धातु है ईश, ईष्टे, इसका मतलब होता है नियंत्रण रखना, टू कंट्रोल, ठीक है। ईष्टे यानि नियंत्रित करता है, और ईशो ऐसे जो नियंत्रित करने वाले हैं, जो नियंता है उनमें वह वह माने श्रेष्ठ, वो है ईश्वर। जो सर्वोच्च नियंता है वो है ईश्वर। और ऐसा ईश्वर का योग, ऐश्वरम योगम, और इस प्रकार का मेरा योग देखो। अब योग शब्द का यहाँ अर्थ क्या है? एक दफा मैंने बोला था कि अरे भाई, तुम लोग MPhil या PhD के लिए विषय ढूंढते हो, केवल युज धातु का गीता में किया हुआ प्रयोग, युज और मुह, ये दो धातुओं का, संस्कृत के जो छात्र आते हैं मेरे पास, तो कि क्या किस इसमें हम PhD करें? अरे ये तो आज तक किसी ने नहीं किया जी, अब इतने लोग सुन रहे हैं, किसी के मन में आया तो कीजिए कि गीता में युज धातु का किस किस प्रकार से प्रयोग हुआ है। यहाँ जो बोला है पश्य में योगम ऐश्वरम, युज धातु का मूल अर्थ है जुड़ना, ठीक है। जुड़ने के लिए पहले दो होना चाहिए, तब आके जुड़ेंगे। यहाँ ऐश्वर्य योग है, अंदर भी वो बाहर भी वो, तो क्या बतलाया है कि तुम मेरा ऐश्वर्य योग तो देख लो, ये मेरा जुड़ना जो है। देखिए भगवान जुड़ते हैं माने क्या होता है? जुड़ने के लिए भगवान हमसे अलग है क्या? अजी नहीं, हमारा भीतर भी वो है, हमें घेरे हुए भी वो है। लेकिन इसलिए अगली जो लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुनिए। भूतभूत न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः, मम आत्मा भूत भावनः, मेरे आत्मा जो है। अब देखिए, हम मेरे आत्मा तेरे आत्मा ये हम किसी को कहेंगे तो वो व्यक्ति हो जाएगी। कोई व्यक्ति है तो ठीक है भाई, तुम्हारे भीतर तुम्हारी जीवात्मा, मेरे भीतर मेरी जीवात्मा, ये तो ठीक है। अब भगवान की आत्मा, भगवान तो सर्वव्यापी है, वो तो परम आत्मा है, परमात्मा कहते हैं। तो वो जो है ममात्मा यानी परमात्मा, वो भूत भावन है, सारे भूतों को भावन करने वाला यानी उनकी निर्मिति करने वाला, उनको रूप देने वाला, ठीक है। तो ये ममात्मा भूत भावन है, और भूत भूत, भूत भूत यानी क्या? भूतस्थ और भूत भूत ये दोनों ही है, यानी क्या? भूतस्थ यानी भूत के भीतर रहने वाला, और भूत भूत यानी सारे, क्या बोलेंगे, सारे प्राणी मात्रों को धारण करने वाला, उनका पोषण करने वाला। भू धातु का अर्थ है पोषण करना। तो इसलिए देखिए, भगत जो है ना, राम का भाई, भगत बहुत हो गए, भगत मुनि का नाट्य शास्त्र भी है, भगत जड़ भगत भी हो गए,
ये जो मैं बोल रही हूँ दाशरथी भरत, तो उनका नाम भरत क्यों था? कि उन्होंने राम जब गए थे 14 वर्ष वनवास के लिए, उनने 14 वर्षों में उन्होंने भरण पोषण इतनी अच्छी तरह से किया है। मूल रामायण वाल्मीकि रामायण में पढ़ी तो वो सब आता है। तो जो भू भरण पोषण करता है वो भरत। यहाँ ये बोला है कि मैं भूतमत हूँ, यानी सारे भूत मात्र का भरण पोषण भी मैं करता हूँ, मैं भूतस्थ भी हूँ, उन भूत मात्रों के भीतर भी हूँ और भूत भावन भी हूँ, यानी उन्हें निर्माण करने वाला भी मैं हूँ। तीन बातें हैं, निर्माण करने वाला है यानी वो कुम्हार बन गए। घड़े की अगर देखते हैं तो घड़ा जो है निर्माण करने वाला कुम्हार है, ठीक है। भूत भावन, भूत भूत यानी उस घड़े को आकार देने वाला है ना, आप धारण उसका भरण पोषण करने वाला। घड़े का भरण पोषण क्या करना है? उसको ठीक से आकार देना, उसको ऊपर से बाहर से। आपने कभी देखा है क्या, कुम्हार जब घड़ा बनाता है बाहर से ये मारता रहता है, अंदर से हाथ यूं फेरता रहता है, यानी क्यों? दुलगाता भी है, सहलाता भी है और उसको मारता भी है, यानी क्या कि भैया ठीक से आकार लो, है ना। तो ये जो है भरण पोषण हो गया। तो ये हो गया, मैं भूत भावन भी हूँ, भूत भूत भी हूँ और भूतस्थ भी हूँ, मैं उसके भीतर भी हूँ, यानी मिट्टी भी मैं ही हूँ। घड़ा काय का बना है? मिट्टी का। मिट्टी कुम्हार से अलग है, लेकिन यहाँ ये बोलते हैं कि मिट्टी यानी बोलते हैं उपादान कारण यानी साधन, आपकी भाषा में बोले तो रॉ मटेरियल। तो वो जो है मिट्टी, ये भी मैं हूँ, बनाने वाला मैं हूँ, उसका पोषण करने वाला मैं हूँ। तो ये जो है कि भूत भूत न भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, ये जो है मैं नच भूतस्थो बोला है। केवल मैं भूतस्थ हूँ ये मत सोचो, मैं भूत भूत भी हूँ, मैं भूत भावन भी हूँ, यही है ऐश्वर्य योग। और ये जो है ये ऐश्वर्य योग समझना, यही है राज विद्या, यही है राजगुह। तो आज हम यहाँ तक समाप्त करते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, कुछ क्षण पूर्व यहाँ से बिजली चली गई। हो सकता है कि मेरे आवाज़ आप तक आ रही हो, हो सकता है कि मैं दिखती नहीं हूँ, लेकिन ये जो है ये क्यों गई भाई? ये बिजली गई है यही बतलाने के लिए कि वो अव्यक्त मूर्ति, वो जब तक थी तब तक ये व्यक्त मेरा जो आकार है वो आपको दिख रहा था। वो अव्यक्त जो एनर्जी जो करंट वो जब गया तो मेरा ये व्यक्त आकार भी आपको नहीं दिखा। ये समझाने के लिए मुझे शायद लगता है कि अभी बिजली चली गई हो। तो अब हम ये संकेत समझ करके यहाँ पर विश्राम लेते हैं, विराम लेते हैं। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेवम व्रज